Hello everyone, we hope your preparations are going good. This video we are going to discuss with you how you should be preparing in the 2.5 days that you have before your risk management examination, and there's some basic do's and don'ts that you should be following while you are in the examination hall. तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए examination hall पे, उसके बारे में बात करेंगे हम. एंड ढाई दिन है क्योंकि आपके पास, तो ढाई दिन में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. Before we start off, be very clear about this fact ki we are not going to give you something very extraordinary and out of the world. To bahut logo ko aisa lagta hai ki bahut pehle se preconceived notion aata hai ki bahut kuch high five mein batane wala, kuch nahi, main kuch basic simple facts aapke sath discuss karunga. Kuch cheeze jo ho sakta hai aapko already pata ho, lekin jinke upar aapko dhyan dena chahiye jab aap prepare karenge aur jab aap exam hall mein ja rahe honge. So watch it till the end and there's something very interesting and important coming up for you all. Hamare risk management ke paper ke pehle हमारे पास ढाई दिन का टाइम है. एंड गोज विदाउट सेइंग फॉर एन ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड गिवन द आरएम पेपर, अगर आपने पहले आरएम पढ़ा है एक बार या दो बार एटलीस्ट, जो आई एम श्योर भले ही इलेक्टिव हो आपने एटलीस्ट उतना तो प्रिपेयर किया होगा होपफुली, बट अगर आपने पढ़ा है तो ढाई दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास. Given the fact that we have a little extra time, depending upon your comfort, दो चीज पे डिपेंड करेगा, आपका पहले से आरएम का प्रिपरेशन कैसा है एंड आपका कंफर्ट कितना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, अदरवाइज रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली द टैक्सेस. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट अगर आप चाहें तो आप हाफ अ डे डीटी को दे सकते हैं. डीटी आपको पता है, सबको पता है कितना बड़ा एक समुंदर है जो आपके पास है. मतलब सर डीटी में तो लोग बोलते हैं हमारे को कि सर कहां घुसते हैं, इट्स लाइक अ सी ऑफ ओशन सर, सी है ओशन है सर, कहां घुसते हैं फिर कहां निकलते हैं पता ही नहीं चलता है पढ़ते पढ़ते. So obviously you have a lot of things in DT to study, and क्योंकि ढाई दिन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो जब आप कॉस्ट के एग्जाम के बाद वापस आ रहे हो वो इवनिंग मैक्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग जितना टाइम आप यूज कर सकते हो फॉर DT, बट डेफिनेटली नेक्स्ट डे सेकेंड हाफ. तो संडे को अगर आप कॉस्ट का एग्जाम देकर आ रहे हो संडे इवनिंग, मैक्सिमम मंडे फर्स्ट हाफ तक आप DT कर सकते हो. मंडे आफ्टरनून तक डेफिनेटली आपका RM शुरू हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा वरना लास्ट मिनट पैनिक का भी रिस्क आ जाता है. जब आप पढ़ना शुरू कर रहे होंगे, आई होप दिस इज आवर सीए फाइनल का रिस्क मैनेजमेंट का बुक जो हो सकता है आपने अभी तक ग्रैब कर लिया हो. इफ यू हैव नॉट ग्रैब्ड इट, ग्रैब योर कॉपी. वी आर आल्सो ट्राइंग फॉर अ वन डे स्पीड डिलीवरी फॉर पीपल हु वांट टू अ कॉपी ऑफ देयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द पिन कोड एंड इफ इट्स अवेलेबल, बट वी कैन ट्राई एंड प्रोवाइड यू विद वन डे डिलीवरीज ऑल्सो. वी कॉल दिस योर कंपेनियन टू एग्जामिनेशन हॉल एंड दिस इज ट्रूली योर कंपेनियन टू एग्जामिनेशन हॉल. इट्स अ समरी बुक जहां हर एक चैप्टर का कॉम्पैक्ट समरीज वगैरह दिया हुआ है, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मैपिंग दिया हुआ है विद द आईसीआई मटेरियल, एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज माय स्टूडेंट्स टेल मी. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बुक परचेज किया है, जो एग्जिस्टिंग हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल टेल मी सर इसके बाद हमारे लिए आईसीआई बुक से पढ़ना और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया. बिकॉज फ्रेंकली सर आईसीआई की बुक में हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि चीजें रेपिटेटिव है, वही सेम ही चीज हर चैप्टर में बार बार पढ़ते जा रहे हैं. यहाँ चीजें क्योंकि प्रॉपरली कोरिलेट की हुई है, कॉम्पैक्ट करके दी हुई है, तो हमारे लिए उसको असिमुलेट करना, रिटेन कर पाना और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है. प्लस अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली मैट के बेसिस पे लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो मैट के बेसिस में आईसीआई मैट को रेफर करके ओवरली डिटेल्ड आंसर्स लिख सकते हैं. सो दिस मेक्स योर लाइफ डेफिनेटली इजी. ग्रैब योर कॉपी इफ यू हैवंट गैदर्ड वन टिल नाउ. ओके, कमिंग बैक. सो वंस यू हैव come back from your course paper, ideally you can give some time to DT, that is what I would suggest. Once you start preparing for RM, the first thing that you need to know is certain facts. Ek important cheez aapko batata hu, dhyan dena. RM ke paper mein you have to attempt 4 out of 5 case studies of 25 marks each. Yani total paper aapka 125 mark ka aata hai. Sir ye sab pata hai hamare ko, sir aap लास्ट डे हमारे को इसमें कुछ समझने का है, ध्यान देना दो मिनट. आपका टोटल पेपर 125 मार्क का आता है, चार केस स्टडीज आते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 25-25 मार्क के, टोटल पांच केस स्टडीज आपके पेपर में होते हैं 25-25 मार्क के. इस 125 मार्क्स में से 50 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है. क्या सर एमसीक्यू 40 मार्क्स का ही आता है ना, आप चार केस स्टडी अटेम्प्ट करते हो उसमें 10-10 मार्क का एमसीक्यू, 40 मार्क्स आप अटेम्प्ट करते हो, लेकिन पांचों केस स्टडी में 10-10 मार्क का एमसीक्यू होता है, यानी आपके 125 मार्क में 50 मार्क्स का एमसीक्यू हट गया, बचा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 75 मार्क का, 75 मार्क्स. 75 मार्क्स में आउट ऑफ द 75 मार्क्स 10 टू 12 मार्क्स इज गोना बी द वेटेज फॉर प्रैक्टिकल्स.
So ideally we will expect around 2 questions of practicals is what I would expect, 2 questions and about 12 marks of weightage of practicals is what I would be expecting. 12 ka 13 14 ho sakta hai ya 10 ho sakta hai, utna weight difference hoga. बट दो क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल्स होंगे जो, लेकिन उतना ही होगा. तो 125 मार्क में अराउंड 12 मार्क के आसपास यानी अराउंड 10% का वेटेज होगा खाली प्रैक्टिकल्स का इन अ प्रॉपर 125 मार्क पेपर. इसीलिए प्योर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है. प्रैक्टिकल्स आएगा लेकिन बहुत कम वेटेज होगा उसका. तो प्रैक्टिकल्स देखना है लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. हाँ, स्कोरिंग एरिया इसलिए देखा हुआ होना जरूरी है. बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स, बचा हुआ अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स में से 40 marks, this is our understanding, will be direct theory. So what do you mean by direct theory? 40 marks का theory ऐसा होगा जिसका answer आपको directly ICI material में मिल जाएगा. ओ सर, directly book में से निकाल के आपको लिखना रहेगा? नहीं नहीं, question को interpret करना पड़ेगा, question को समझना पड़ेगा. आप final के student है. So definitely ऐसा नहीं कि खाली कॉपी पेस्ट करना रहेगा, आपको समझ के आंसर करना रहेगा, लेकिन उसका आंसर डायरेक्ट आईसीआई मटेरियल में होने वाला है. यू जस्ट नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लोकेटेड इन द आईसीआई मटेरियल एंड द हार्ड वर्क इज डन. वी ऑब्वियसली मेक द लोकेशन पार्ट इवन मोर कन्वीनियंट विद द समरी बुक एंड द चैप्टर वाइज मैपिंग. क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन एक्जैक्टली व्हाट इज द टॉपिक दैट दे ट्राइंग टू वांट फ्रॉम यू, बट द आंसर विल बी डायरेक्टली अवेलेबल इन द आईसीआई मटेरियल फॉर एटलीस्ट 40 मार्क्स. The remaining, which is going to be approximately 20 marks, 20 to 25 marks, this is going to be application-based questions. So what is application-based questions? This is going to be a question where you will not have a direct answer in the ICI material, but you will have to apply the knowledge. So ICI में जो relevant content भी मिलेगा वो relevant answer नहीं होगा. उसके basis पे समझ के आपको अपने language में अपने understanding के इंसान से अपने को answer करना रहेगा. You won't have a ready-made answer in the ICI material. Based upon the knowledge that you've understood, based upon what is your interpretation of the book concepts, you have to then write your answer. But that's got to be your answer. You will not have a direct answer from the ICI material. But that's 20 marks out of the entire paper. And क्योंकि पांचों केस स्टडी में ये छुपे हुए होंगे थोड़े थोड़े, ऑन एन एवरेज एक पेपर में आपको सिर्फ 15 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा ऑन एन एवरेज. हाँ जी, ऑन एन एवरेज आपको पेपर में सिर्फ 15 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. यानी 85 मार्क्स ऑफ द पेपर आप डायरेक्टली आईसीआई मटीरियल के बेसिस पे आंसर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने आईसीआई मटीरियल ढंग से पढ़ा है. Which is why my focus always and always is that you have to prepare from ICI material. This is very, very important. Even in my classes, all my lectures, all my classes are based upon ICI material. Only we provide the revisionary material like we've been telling you, but that is only as a companion in the examination hall that helps you prepare in the examination halls, in the 1.5, 2.5 days before the examination halls. But the classes, the lectures are purely based upon ICI material only. Mentioning about the lectures, just to also let you know, so we are basically starting off with, for the first time, we are going to be starting off with online live lectures for risk management. Yes, we're coming live and we're coming online live for risk management. This is going to be starting off third week of December. And the best part, for the first time, we will have batches that will be a combination of only English batches. So only English batches where we will be, the lectures will be purely available in English. And lectures जहाँ पे थोड़े vernaculars हिंदी भी हम use कर रहे होंगे and English भी use कर रहे होंगे. So only English and English plus Hindi, both the batches will be starting off third weeks of December. So if you have friends or anyone who might be interested, please do let them know. These are the contact details available. These batches would definitely be available. Purely ICI content based lectures is what we offer. Coming back, so our discussions. So अल्टीमेटली आपका बुक से अच्छे से पढ़ा हुआ होना जरूरी है. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडीड थरली विद द आईसीआई मटेरियल. 85 मार्क्स इज डेफिनेटली दैट यू कैन अटेम्प्ट प्रॉपरली. ऑब्वियसली हाउ वेल यू राइट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्कोर, बट अटेम्प्ट आप 85 अच्छे से कर सकते हो. एंड अगर थोड़ा सा भी नॉलेज को अप्लाई कर लोगे, यू कैन डू वंडर्स इन द पेपर. दैट इज वॉट मेक्स रिस्क मैनेजमेंट अ वेरी स्कोरिंग पेपर, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स इज व्हाट आई कॉल आरएम. Not because I am offering lectures for that, but because that is how it is. It is definitely one of the most scoring of the electives available. Now, when you are preparing the 9 chapters, Sunday I have been suggesting, if you have confidently prepared with RM, aapne ek ya do baar kiya hai, to thoda sa DT karte hain. Monday subah subah thoda time DT karte hain. Monday 12 baje ke aaspaas hum RM ke saath shuru karte hain. RM mein 2 chapter hai aapke jo important nahi hai. बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है ना, देयर आर टू चैप्टर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आरएम पर्सपेक्टिव, व्हिच इज गॉट टू बी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6. दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ पेज नंबर, पेज नंबर वाइज बात करें तो चैप्टर 9 और ज्यादा बड़ा है आपका, बट 2 and 6 दो ऐसे चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, टेक्निकल चैप्टर क्वेश्चन हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. सो ये दोनों चैप्टर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपके किए हुए होने चाहिए, इसको अच्छा टाइम देना है, ढंग से प्रिपेयर करना है. सो कैसे, मंडे अगर आप 12 बजे के आसपास शुरू करते हैं विद दी प्रिपरेशन फॉर आर एम, सो अराउंड सबसे पहले चैप्टर 2 इज वन ऑफ द चैप्टर्स जिससे आप डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं. चैप्टर 2 और 6 में से एक चैप्टर प्रेफरेबली 2 आप मंडे करेंगे और एक चैप्टर 6 आप ट्यूजडे अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड से करेंगे. सुबह सुबह फ्रेश माइंड बेस्ट पढ़ाई होता है, इसलिए चैप्टर 6 कीप इट फ्रॉम ट्यूजडे मॉर्निंग. सो मंडे आई वुड सजेस्ट यू शुड डू चैप्टर 2 एंड देयर आर 4 स्मॉल चैप्टर्स इन आवर सिलेबस. द 4 स्मॉल चैप्टर्स आर 1 3 5 एंड 8 1 3 5 एंड 8 आर डेफिनेटली 4 चैप्टर्स दैट आर वेरी वेरी सिंपल इजी स्मॉल चैप्टर्स. 5 वैसे इजी नहीं है, 5 में कई सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स भी है, वायर वाला चैप्टर है, लेकिन रिलेटिवली स्मॉल है, इजियर चैप्टर्स में से है. तो ये 4 चैप्टर्स में से मे बी एटलीस्ट 3 चैप्टर्स यू शुड फिनिश ऑफ ऑन मंडे. सो मंडे को हम 4 चैप्टर कर रहे होंगे, चैप्टर 2 करेंगे एंड 1 3 5 8 में से कोई भी 3 चैप्टर्स कर लेंगे, ये 4 चैप्टर मेरा फर्स्ट डे फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट डे व्हेन आई एम मूविंग इन, आई एम अगेन डूइंग चैप्टर 6, obviously one of the important chapters. 1, 3, 5, 8 में से 2 chapter उस दिन मैं खत्म कर रहा हूंगा. बचे हुए chapters में से, which is going to be 4, 7 and 9, I would suggest आप at least 4 और 9 उस दिन कर लो and 7 आप रखो exam वाले दिन morning के लिए. 7 एक chapter है जिसमें बहुत stretched theory है, I call it stretched theory because बहुत बिना मतलब का घसीटा हुआ कुछ कुछ topics है. तो 7 जैसा चैप्टर आई वुड सजेस्ट आपको एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह करना चाहिए, 2 घंटा उसको देकर फ्रेश माइंड से, फिर कुछ कुछ पेपर डिस्कशंस करके पेपर्स देखकर हम एग्जाम मोड में चले जाएंगे. बट प्रिपरेशन वाइज आई वुड सजेस्ट 4, 4 and 1 एज द चैप्टर्स. 4 चैप्टर आप पहला दिन करोगे चैप्टर 2 एंड 3 छोटे चैप्टर्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे चैप्टर 6 और 3 चैप्टर्स. 3 छोटा चैप्टर्स नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन हमारे पास पूरा दिन होगा, मंडे को हम 12 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ट्यूसडे हमारे पास पूरा दिन होगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा है हमारे पास. तो ऑब्वियसली हम लोग ट्यूसडे को चैप्टर 6 के साथ में 3 चैप्टर और कर रहे होंगे. टोटल 4 चैप्टर मंडे को किया हमने, 4 चैप्टर हमने ट्यूसडे को फिनिश किया एंड 1 चैप्टर हम फिनिश कर रहे होंगे ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग. दैट्स हाउ वी डू द 9 चैप्टर्स ऑफ आरएम. You should definitely see about 2 to 3 case studies, 2 to 3 case studies on the exam day morning. वो कौन से case studies होंगे, ये ideally आपके पहले से देखे हुए होने चाहिए, कुछ fresh उस दिन morning में नहीं देखना चाहिए वरना थोड़ा panicky हो जाते हैं, लेकिन पहले से देखा हुआ case studies वगैरह होना चाहिए, लेकिन 2 या 3 case studies उस दिन सुबह सुबह आपको definitely देखने चाहिए. This is always advisable. अगर आपका पहले से नहीं भी देखा हुआ है तो सॉल्व केस स्टडीज खाली देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, एमटीपी देख लेंगे करंट टर्म वाला या 2-3 आईसीए के वेबसाइट्स पे सॉल्व केस स्टडीज अवेलेबल, उनको केस स्टडी विद क्वेश्चंस देखेगा ताकि एक आइडिया लग जाए किस तरह केस स्टडी को इंटरप्रेट करना रहता है, रीड कैसे करना रहता है. वो खाली प्रैक्टिस वाला चीज के लिए 1 या 2 केस स्टडी एटलीस्ट, लेकिन आपको एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह देखना चाहिए. तो एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं, सुबह सुबह 2 घंटा में हम चैप्टर 7 करेंगे, 2 घंटे में हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे और फिर एग्जाम मोड के लिए आगे बढ़ जाएंगे. दैट इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग. लेकिन 4 घंटा सुबह सुबह भी फ्रेश माइंड से करेंगे हम लोग. ओके, सो व्हेन आई कम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल नाउ, मूविंग ऑन, जब हम एग्जाम हॉल में आ रहे होंगे, जब आपको एग्जाम में अपना पेपर मिलता है तो कई बार आप लोगों ने जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देखा होगा, तो मॉक टेस्ट वगैरह में कई बार 15-15 मार्क का केस स्टडीज भी आपको दिखता है. हमारे पेपर के पैटर्न में नवंबर 19 का पेपर अगर आप देखो और उसका पैटर्न देखोगे, सो वी डोंट हैव एनी मोर 15 मार्क का क्वेश्चंस, 5 केस स्टडीज होंगे. नवंबर 19 का पेपर अगर आपको बताऊं तो 3 केस स्टडीज थे जिसमें 10-10 मार्क का था एमसीक्यू, उसके बाद क्वेश्चंस थे 6, 5 एंड 4 मिला के होता है 15 मार्क. तो दैट इज हाउ द 25 मार्क का एक एक केस स्टडी था, 10 मार्क का एमसीक्यू और 6, 5, 4. चौथा केस स्टडी में था 5, 5, 5, 15 मार्क और लास्ट केस स्टडी में था 7, 4, 4. सर इसका मतलब मेरे आरएम के पेपर में एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस होगा 4 मार्क टू 7 मार्क. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ 15 मार्क क्वेश्चन एनीमोर, वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस टू बी 4 मार्क्स टू 7 मार्क्स. सर इसका मतलब वो जो लंबे आंसर्स के कई सारे केस स्टडीज इनिशियल लेवल के पेपर्स में आए थे वैसा पेपर्स वी विल नॉट एक्सपेक्ट. वी विल एक्सपेक्ट द स्टडीज टू बी हैविंग क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स टू 7 मार्क्स के रेंज का.
इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए आंसर कर पाना ज्यादा कन्वीनियंट एंड ज्यादा कॉम्पैक्ट बेटर आंसर लिख पाना पॉसिबल हो पाता है. अब केस स्टडी चूज करना एग्जाम हॉल में आने के बाद. सो व्हाट हैपेंस इज, मेरा ऐसा मानना है कि इट इज 5 में से कोई भी 4 केस स्टडी करना है, लेकिन जनरली फर्स्ट केस स्टडी में कई बार कुछ ट्विकी रहता है, एंड ह्यूमन नेचर होता है कि सबसे पहला केस स्टडी से पढ़ना शुरू करते हैं. तो एज अ स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट डोंट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट केस स्टडी, सेकंड या थर्ड केस स्टडी से रीड करना शुरू करिएगा. क्योंकि सेकंड या थर्ड केस स्टडी में आपको एक केस स्टडी डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जो इजी नहीं, बहुत इजी होगा, वो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है टू स्टार्ट ऑफ योर पेपर. आपको शुरू में ही 5 में 4 केस स्टडी सेलेक्ट नहीं करना है. कुछ लोग हो जाते हैं कि सारा केस स्टडी पढ़ने बैठ जाते हैं, अरे नहीं, हमको एक केस स्टडी मिल गया जो हमको अटेम्प्ट करना है, मेरे को समझ में आ गया, हम उसको लेके शुरू कर देगा पेपर लिखना. योर फर्स्ट आंसर, यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड सेलेक्ट अ केस स्टडी जो आपको सबसे अच्छे से आता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसर हैज टू बी योर बेस्ट आंसर. बट लाइक आई ऑलवेज से इन ऑल माई बैचेस, यू डोंट हैव टू राइट जस्ट वन आंसर. So obviously you have to write well, but don't overwrite the first case study, because obviously कई बार होता है लोग थोड़े slow हो जाते हैं initial में, बाद में जाके realize करते हैं कि थोड़ा सा time crunch आ गया, जो otherwise नहीं होता है RM के paper में. So select your first case study select करते time descriptive questions को देखना है, लेकिन MCQs को भी ध्यान दीजिएगा. लोग बोलते हैं सर 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव से आई अग्री, लेकिन उससे ज्यादा 40 मार्क का MCQ काम का है, बिकॉज उसमें डायरेक्ट पूरा 40 में 40 आने का पोटेंशियल है हमारे पास. So, MCQ questions भी देखना है, डिस्क्रिप्टिव भी देखना है जब केस स्टडी सेलेक्ट कर रहे होंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ कुछ केस स्टडीज होते हैं जिसमें 5x2 5 केस स्टडी, 5 MCQs होते हैं दो दो मार्क के, कईयों में 10 होगा 1-1 मार्क का. तो अलग अलग पैटर्न है. MCQs भी देखिएगा अपना केस स्टडी सेलेक्ट करते टाइम. नाउ MCQs में कुछ MCQs होंगे जिसका आंसर आपको केस स्टडी के बेसिस पे मिल जाता है, कुछ होगा जिसको आपको डायरेक्टली याद होगा, उसका आंसर वगैरह आप लोकेट करके इमीडिएटली आंसर कर सकते हो. कुछ MCQs होंगे जिनके आंसर आपको ICAI मटेरियल में ढूंढना होगा, यू विल नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई डोंट सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप शुरू में ही ढूंढना शुरू कर दीजिए. आई डोंट सजेस्ट दैट. व्हाई? क्योंकि सर जब हम डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होंगे तो भी शुरू शुरू में ऐसे भी हाथ कम चलता है, शुरू शुरू में लिखना शुरू करते हैं, एक मोमेंटम फ्लो बिल्डअप करते हैं. By the time I finish the second case study or I'm in the third case study, then I will go through the MCQs जो जो मेरा बचा हुआ है. इससे क्या होगा, मेरा बार बार, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक descriptive का आंसर ढूंढने गया, मेरे को दूसरा MCQ का भी एक आंसर मिल गया. So I would save on that time of searching double twice for the same thing for MCQs and for descriptives. तो MCQs दो case study के बाद third case study में जब आते तब तीनों का case studies एक साथ देख लेंगे, जो जो बचा हुआ होगा, जो डायरेक्ट आता होगा उसको मार्क करते चल रहे होंगे, बाकी थर्ड के साथ एक बार देख लेंगे, जो फिर भी बच जाएगा वो लास्ट में एक साथ देखेंगे, जो भी टिकटॉक टू करना रहेगा. लेकिन शुरू में MCQs के लिए रुकना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव के साथ एक मोमेंटम बिल्डअप करना जरूरी होगा. सेकेंड या थर्ड केस स्टडी में एक केस स्टडी डेफिनेटली ईजी होगा, एक 5 में से एक या दो केस स्टडी होगा जो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो ट्विकी होगा जनरली. वो कौन से दो होने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनमें से एक को एलिमिनेट कर देना ताकि हम उसको ऑप्शन में निकाल सके, ये बहुत क्रूशियल होता है. तो अगर आप दो इजी ढूंढ लिए तो आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि आपने दो केस स्टडी करते करते एक मोमेंटम भी बिल्ड हो जाता है, आप फ्लो में भी आ चुके होते, दो केस स्टडी लिख चुके होते, 50 मार्क्स इज ऑलरेडी डन. फिर आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ केस स्टडी सेलेक्ट कर पाना एक रिलेटिवली ज्यादा इजी हो जाता है एग्जाम हॉल में. लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड केस स्टडी सेलेक्ट करने के लिए हमेशा आई वुड सजेस्ट सेकंड थर्ड केस स्टडी पे फोकस करना, उनमें से डेफिनेटली एक केस स्टडी मिलेगा जिससे आप पेपर शुरू कर सकते हो. स्टार्ट कर दिया तो मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. MCQs के लिए कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इट मे बी इन द केस स्टडी, इट मे बी इन द ICAI टेक्स्ट, और इट मे बी जस्ट सिंपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस स्टडी. तो केस स्टडीज में MCQs में भी कई बार दिमाग लग सकता है, तो उसके लिए टाइम रखना हाथ में. ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव कर MCQ टिक टैक टू 10 मिनट में कर लेंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एफर्ट लगेगा, तो टाइम रखना है उसके लिए हाथ में. बाकी विद द RM पेपर, फिनिशिंग द पेपर इज नेवर सच अ प्रॉब्लम, सो टेक योर टाइम, बट एट द सेम टाइम मैनेज योर टाइम वेल. व्हाइल यू आर आंसरिंग, लेट्स से इफ आई हैव बीन एबल टू लोकेट द क्वेश्चन डायरेक्टली इन द ICAI मटीरियल, लाइक आई सेड 40 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, तो वंस यू आर इवन एबल टू लोकेट इन द ICAI मटीरियल, डोंट कॉपी पेस्ट द ICAI कंटेंट. दैट्स ऑल्सो व्हाट आई से, दैट यू नो यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट. आप फाइनल के बच्चे हो, यू आर फाइनल लेवल स्टूडेंट, यू डोंट जस्ट हैव टू कॉपी फ्रॉम द ICAI मटीरियल एंड गिव इट इन द एग्जामिनेशन हॉल. यू हैव टू रीड दैट कंटेंट एंड देन राइट योर आंसर. यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट, यू हैव टू राइट एन आंसर. सो योर आंसर हैज टू बी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड योर वर्जन ऑफ इट, रादर देन अ कॉपी पेस्ट वर्बैटिम फ्रॉम द ICAI टेक्स्ट.
couple of lines. Pick up important lines, but also write your understanding of those lines rather than just a copy paste. That's where you improve upon your answer, create an edge over others in the market. Everybody, if I know this answer, most people will do what? They will copy paste from the ICI and write it. Don't just do that. Create an edge for yourself. Give your understanding of that answer rather than a copy paste of the ICI content. It will always create an edge, good impression in the examiner's mind, good marks for you in the ultimate answers. So definitely makes a difference for you. Stick to ICI material. Most importantly, obviously, like I've been saying, our mat will definitely be of help to you. So this is how we have tried creating a lot of charts in it. If you would have seen, we've created a lot of multicolored charts in this. There are a lot of diagrams for you, so it makes help. It is a lot of help for you. There is a chapter wise mapping available right at the end, so that helps you to be able to locate the topics right in the ICI material, so that you know where exactly is the topic, and you can then easily pick it up and write it. That's how that is given. Okay, order your copy if it's required. It would be of help if you can manage to get your copy immediately. Baki answer karte time do cheez ka dhyan rakhiyega. Kai baar question may not be as direct as it looks. There may be a hidden trick into it. So focus, try and read the question twice and then answer. RM जैसे पेपर में कई बार लॉट ऑफ टॉपिक्स आर सिमिलर इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स. दो तीन चैप्टर में कई बार एक ही चीज ऐसा लगता है यहाँ पे भी पढ़ा यहाँ पे भी पढ़ा. सो यू दे विल गिव यू एन इंडिकेशन, दे विल बी सम काइंड ऑफ हिंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच वर्जन इज वॉट दे आर वॉन्टिंग. रीड द क्वेश्चन थरली एंड यू विल बी एबल टू पिक योर आंसर्स. एंड वेन यू राइट, राइट योर वर्जन ऑफ इट एंड डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम द ICI मटीरियल. बाकी आई एम श्योर यू बीन प्रिपेयरिंग वेल एंड दीज आर जस्ट स्मॉल लिटिल गाइडलाइंस दैट विल हेल्प यू टू इवन परफॉर्म बेटर इन द फाइनल डे इन द एग्जामिनेशन हॉल्स. I hope this video helps you, this book helps you, and you are able to do wonders in the RM paper. My best wishes, all the best to all of you. Do give us your feedback and your comments, and we would love to help you out further in the future exams as well, to your successors and to your friends, whoever comes after you all in the next terms. Thank you everyone, all the best for the exams. Thank you.